संत कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। वे इस काम के साथ ही भगवान का स्मरण भी अक्सर किया करते थे। सुबह से शाम तक वे ये दोनों काम साथ में ही करते थे। एक व्यक्ति ने कबीरदास जी से पूछा, आप भक्त हैं, आपकी गतिविधि धार्मिक है, लेकिन मैं देखता हूं कि आप हमेशा कपड़ा ही बुनते रहते हैं, तो ऊपर वाले भगवान को कब याद करते हैं, भक्ति कब करते हैं? कबीरदास जी दूसरों के प्रश्नों के उत्तर अलग ही अंदाज में दिया करते थे। उन्होंने उस व्यक्ति से जिससे ये प्रश्न पूछा था कहा, चलो आओ कुछ देर घूमाते हैं थोड़ा सा। दोनों साथ चले गए। रास्ते में एक महिला पनघट से यानी तालाब से पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था और अपनी मस्ती में गीत गाते चल रही थी। उससे घड़े को ऊपर से पकड़ा हुआ भी नहीं था, लेकिन घड़ा सिर पर स्थिर था, वह गिर नहीं रहा था और घड़े का पानी भी छलक नहीं रहा था। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, इस स्त्री को देख रहे हो, ये अपने घर के लिए पानी लेकर मस्ती में गीत गाते हुए चली जा रही है। इसका ध्यान अपने घड़े पर भी है, अपने गाने पर भी है और रास्ते पर भी है। बस मैं इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाता हूँ। मेरा मन ईश्वर में लगा रहता है और मैं दुनियादारी के काम भी साथ करता रहता हूँ। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? जीवन संतुलन का नाम है। हमें भी धन कमाने के साथ ही भक्ति, परिवार, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहना चाहिए। भक्ति से मन की अशांति दूर होती है और कर्म करने की शक्ति हमें मिलती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूँ सुरेश श्रीवाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज का राशिफल कुछ खास है क्योंकि आज मंगल का राशि परिवर्तन भी कुछ झलकियां इस राशिफल में आपको देखने को मिलेगी। चंद सेकंड आप लोगों को चाहूंगा आज की राशिफल की प्रक्रिया से पहले आज के पंचांग और आज की कुंडली पर। 24 दिसंबर गुरुवार का आप राशिफल देख रहे हैं। आज रात को 11:17 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले बुध आदित्य योग वाशी योग का साथ हम सबको मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष कर्क तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों, आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना, कोई मीटिंग फैसला, कुछ भी ऐसा काम जो शुभ समय की तलाश का है, तो वो अब आपको दो बार आज मिलेंगे। पहला है सुबह 7 से 8 बजे तक, ये शुभ का चौघड़िया है, और दूसरा है शाम को 5 से 6 बजे तक, ये भी शुभ का चौघड़िया है। लेकिन कोशिश करिएगा कि दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ कार्य नहीं करें। आज सुबह 10:18 के बाद मंगल की घर वापसी होगी मेष राशि में, तो आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगा। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद हमारी वर्तमान में चल रही जिंदगी में अगर कोई मनोकामना है तो उसे पूरा करने के लिए क्या खास उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त उसे नोट करना, अपनों को शेयर करना इस कार्यक्रम को शुभ रहेगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि घर में जो रसोई घर होता है उसमें चूल्हा किस दिशा में रखना चाहिए। कुछ लोगों ने जवाब दिए, मैं इसका डिटेल में जवाब कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका बौद्धिक विकास, पुरानी खोई हुई चीज, खोया हुआ व्यक्ति, खोया हुआ आत्मसम्मान वापस मिल सकता है। IQ और EQ लेवल में डेवलपमेंट होगा। मंगल अब आपकी राशि में स्वग्रह होकर महान रोचक योग बना रहे हैं, बड़ा शुभ रहेगा। बिजनेस में सहयोगियों यानी सबऑर्डिनेट्स के साथ आपके संबंध मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पर काम करने का एक अच्छा माहौल बनाना आपके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन बनाकर खुशी जनरेट करेंगे। नौकरी में अपने सबऑर्डिनेट वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर या यूं कहें कि अपने से ऊपर जो ओहदे पर है उनके साथ कोऑर्डिनेशन शानदार रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने में सफल होंगे। घर में भौतिक सुखों का आनंद जरूर लेंगे। अपने पारिवारिक, वैवाहिक और या यूं कहें कि पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में शांति, आनंद और बैलेंस करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और इसे निभाकर एक बेहतरीन अनुभव आप लूटने वाले हैं। जीवन साथी, जीवन संगिनी या यूं कहें कि लव पार्टनर पर किसी बात को लेकर क्रोध आपके मन में आएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है। किसी और का गुस्सा हम कहीं और निकाल देते हैं, इसलिए आपको शांति और विनम्रता से अपनी लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। गलत समय पर और गलत भोजन की वजह से आपके स्टोमक रिलेटेड इंटेस्टाइन पैनक्रियास में तकलीफ आ सकती है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, दिल लगाकर काम करना, काम करने के बाद सफलता अर्जित करना, ये अलग अलग चीज़ है।
इन दोनों पर फोकस करिए, मजा आ जाएगा। मंगल के राशि परिवर्तन से लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अपने साथी के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने का जो एनर्जी और समय का लेवल है वो बेहतर होगा, इसे मैनेज करिए, मजा आ जाएगा। लकी कलर येलो, नंबर 6 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, आज लीगल कॉम्प्लिकेशन, आस पड़ोस में काम करने वाले या रहने वाले लोगों से अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध, किसी प्रकार के रिश्तों में तल्खी है तो उसे दूर करने का आपको जरूर आशीर्वाद और नुस्खा मिल जाएगा। मंगल अब आपके 12वें घर पर विराजमान रहेंगे, जो कि ट्रेवल का भी है, खर्चों का भी है, लीगल कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारी चीज़ों का है। बिजनेस में आपके लिए दिन उतार चढ़ाव भरे आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको अपने उतार और चढ़ाव दोनों पर ध्यान देकर इसे बैलेंस और मैनेज करने की कोशिश करें। नौकरी में किसी बात को लेकर मनभेद और मतभेद ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जो आपके मन को आज डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस वजह से आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। वर्क प्लेस पर समस्याएं कोई और उलझाने की कोशिश करेगा। कई ऐसे लोग हैं जो सैडिस्टिव प्लेजर के हैं, अपने दुख से उतने दुखी नहीं, आपको दुखी देखकर खुद खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों से और ऐसी बातों से सावधान रहें। शारीरिक और भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का वातावरण आपको परेशान कर सकता है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, परिवार हो या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हो, लेकिन आज आपके पास शांति से जवाब देकर उन समस्याओं का समाधान आ जाएगा। आप अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षित होने वाले हैं। जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत और सद्भावना शानदार रहेगी। स्टूडेंट का स्टडी में, आर्टिस्ट का आर्ट में, खिलाड़ी का अपने खेल में ध्यान नहीं रहेगा, और ये जो ध्यान आपका नहीं है वो आपको गलत काम और गलत चीज़ें करने पर आमादा करेगा, और ये गलतियां आप कर बैठेंगे, सबक आपको सीखना चाहिए। सेहत, आज आपका पारा गड़बड़ हो सकता है, गाड़ी चलाते वक्त और किसी से मिलते वक्त बहुत ध्यान रखिए, एक गलती आपको बीमार कर सकती है। मंगल के अब राशि परिवर्तन से मन में शांति, योग प्राणायाम एक्सरसाइज से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को ठीक करना, अपने जॉब बिजनेस में कुछ एक्सपांशन के लिए नए नुस्खे आपको मिलेंगे, इसलिए आपका यह राशिफल बहुत महीने में शानदार रहेगा। लकी कलर पर्पल, नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, छोटा हो या बड़ा हो, भाई हो या बहन हो, बातचीत करके मसलों को सुलझाना, एक बॉन्डिंग मजबूत रहेगी, बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद खाक की। इस पर अगर आपने गौर कर लिया तो आपके माँ बाबू जी को बेहतरीन एक रिटर्न गिफ्ट देंगे आप। मंगल अब आपके इनकम प्रॉफिट यानी 11th हाउस में स्वग्रह होकर विराजित रहेंगे। प्रोफेशनल मोर्चे पर कुछ मुद्दों को लेकर आज आपकी चिंता थोड़ी बढ़ने वाली है। किसी और की तरक्की को देखकर आपको ईर्ष्या हो सकती है। अपनी गलतियों को आप देखेंगे नहीं, दूसरों की गलतियों से आपको लगेगा कि वो भी तो गलती कर रहे हैं, इससे बचिए। जॉब में लगन से आप अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सबऑर्डिनेट्स के लिए उपयोगी दिन साबित होने वाला है। मांसपेशियों में दर्द, अनिद्रा, आलस्य आपको परेशान करेगा, इसके लिए पावर नैप लीजिए और आगे बढ़िए। आपका पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित यानी फाइनेंशियल और अपनी फैमिली, इन दोनों की प्रायोरिटी अगर आप समझ गए तो खर्चों और कर्जों को भी काबू में ले लेंगे और परिवार को खुशियां जरूर देंगे। हाँ, जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ आज इमोशनल लगाव शानदार रहेगा। लव पार्टनर का सहयोग और लाभ देगा। आने वाले वीकेंड में, आज क्रिसमस की रात है, कल हम सब लोग मैरी क्रिसमस एक दूसरे को बोलेंगे, न्यू ईयर का टाइम है। अगर आपके यहाँ पर सतर्कता के साथ कुछ गेट टुगेदर होने का है तो आप पूरी सतर्कता के साथ गेट टुगेदर जरूर एंजॉय करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, चिंता छोड़कर चिंतन करिए, समय के इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़िए। मंगल के राशि परिवर्तन से जॉब और प्रोफेशन बिजनेस पर्सन को नए सिरे से इनकम जनरेट करने का, आज मेहनत करके कल लाभ कमाने का, फायदा अलग अलग सोर्सेज से कमाने का पूरा मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। लकी कलर क्रीम, नंबर 1 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, पिता, ग्रैंड पेरेंट्स या यूं कहें कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, सलाह, सीख से आज के दिन की शुरुआत होगी, आशीर्वाद मिलेगा, काम बन जाएगा। मंगल अब आपके दशम स्थान में महान रोचक योग और कुलदीपक राजयोग बनाकर विराजित रहेंगे। धन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वर्क प्लेस पर आपके अनुकूल कार्य यानी जो हम चाहते हैं उस तरीके से अगर डे को डिजाइन कर लिया तो विरोधियों के मन में जो जलन थी वो भी कम हो जाएगी, आपको तरक्की मिलेगी सो अलग। और किसी के साथ दिखावा मत करिए, बस अपना काम ढंग से करते रहिए, अपने आप काम दिख जाएगा। बेहतरीन नतीजे हासिल हो इसके लिए काम नहीं करना, बस काम को बेहतरीन तरीके से करना, नतीजे अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे। बिजनेस में आपको सराहना जरूर मिलेगी, पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, लेकिन आप किसी के साथ स्पेशली लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर साथ फाइनेंशियल मुद्दों पर बहस नहीं करें। दिन समझदारी से बिताएं,
और इस दिन को इतना बढ़िया मैनेज करें कि आपको शाम को बेहतरीन टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए, जिससे आप स्मार्ट तरीके से अपनों के साथ बिता सकें। आप अपने परिवार के लोग, ऐसे लोग जो आपके दिल और दिमाग के बड़े करीब हैं, वो खुद किसी चिंता में रहेंगे, लेकिन आपकी वजह से उनकी चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। फालतू की गपशप कोशिश करें, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि टाइम को मैनेज करिए। मुंह में संक्रमण और दांतों में दर्द, गले में इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। मंगल के अवराशि परिवर्तन से अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, बिजनेस पर, क्योंकि दशम स्थान में है, तो दशम स्थान किस चीज का है? पिता को सहयोग मिलेगा, पिता को अच्छा काम करेगा, पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा, काम को परिवर्तित करके लाभ बड़ा मिल सकता है। वहीं अगर आप स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एनर्जी लेवल, जोश और जुनून हाई रहेगा, ये मंगल करवाएंगे। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 3 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, भाग्य चमकेगा। चमके हुए भाग्य का मुख्य कारण होगा आपके कर्म में परफेक्शन, डेडिकेशन और स्मार्टनेस, यही आपको लाभ देगी। मंगल अब आपके भाग्य स्थान में विराजित रहेंगे, वो भी स्वग रही। वर्क प्लेस पर आपको किसी भी उपकरण जो कि धारदार हथियार है, आग, करंट, नुकीली चीज, चाकू, ऐसी चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए। काम में नीरसता, काम के सिलसिले में कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो आलस्य, थकान, अनिद्रा के होंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यावसायिक मोर्चे पर हालात सामान्य रहेंगे, दिन बढ़िया है, आपकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसमें आपका मन खुश होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में खुशी और प्रेम भरे पल आप जरूर जिएंगे। भौतिक सुखों में रुचि लेने वाले हैं शादीशुदा लोगों को, दाम्पत्य जीवन में लव पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में बेहतरीन बॉन्डिंग दिखाने का, निकटता का अनुभव होगा। ड्रेसिंग सेंस और आप बात करने का अंदाज कुछ निराला होगा। स्टडी को लेकर स्टूडेंट की प्रशंसा होगी। मंगल परिवर्तन से आपको जमीन जायदाद खरीद फरोख्त के मामले में लाभ मिलेगा, इस पर ध्यान दीजिए। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 2 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, आज छोटी या बड़ी यात्रा हो सकती है, अकेले या किसी के साथ, सतर्कता जरूर बरती है। और यात्रा अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन प्लस बिजनेस प्लेजर भी होगा, लेकिन अगर यात्रा पर्सनल है तो पूरा लाभ मिलेगा। मंगल अब आपके सूझबूझ और हमारी IQ EQ लेवल, रिसर्च वर्क, IU और एक्सीडेंट 8th हाउस में विराजमान रहेंगे। वर्क प्लेस पर नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास आपको करने होंगे। ज्यादा भागदौड़ करने के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। मन चाहे तरीके से काम करने के लिए पैशन और हॉबीज का सहारा लीजिए। बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट करते रहिए, मजा आ जाएगा। और किसी भी समस्या का कारण खोज के आप उसका निवारण करिए, वरना नाराज आप भी होंगे और आपके अपने भी होंगे। मानसिक तनाव कोई देने की कोशिश करेगा, आप लेने की कोई कोशिश मत करेगा। जॉब में किसी से कहा सुनी, बॉस से, अपने से, किसी ग्राहक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उसी वक्त कोई ऐसा शब्द आपकी जुबान से निकल जाएगा जो लड़ाई झगड़े करवा सकता है, बचिए। बिजनेस के काम में मन पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि मन अशांत रहेगा, फाइनेंस को लेकर, खर्चों को लेकर, ग्राहकों की कमी को लेकर डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन परिवार में आप पूरा ध्यान दोगे तो एटलीस्ट एक जगह जरूर है जहां पर आपको पीस, हार्मनी, लव एंड अफेक्शन मिल सकता है। उग्र स्वभाव से वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, नियंत्रण रखिए। लव पार्टनर के साथ कहीं छुट्टी पर जाना, घूमना जाना, सुख की जो कमी थी वो आज पूरी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन सामान्य से बेहतर बनाने के लिए आपको विशेष प्रयास जरूर करने चाहिए। स्टडीज में स्टूडेंट को और खिलाड़ी को खेल में, आर्टिस्ट को आर्ट में दिल लगाना एक बड़ा चैलेंज होगा। अगर वो लगा दिया तो आपका दिन बन जाएगा। मंगल के अब राशि परिवर्तन से आपका रिसर्च लेवल बढ़ेगा, आपके सोचने विचारने की क्षमता बढ़ेगी। हाँ, क्रोध जरूर बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, परंतु आप अपनी गाड़ी खुद चलाएं, किसी और के भरोसे न रहें, वरना एक्सीडेंट और नुकसान हो सकता है, इसे बचिए। हर काम को रिसर्च वर्क करके फिर डेवलपमेंट करेंगे तो आप गतिशील जरूर रहेंगे। लकी कलर सिल्वर, नंबर 5 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कई बार हमारे पास सपने बहुत होते हैं, लेकिन हमेशा एक ही समस्या होती है कि सपने आखिर साकार कैसे हो। अगर कोई मनोकामना या स्वप्न है जो पूरा हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे। आज उसके लिए विशेष दिन है और आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूँ जिसका अनुसरण करके निश्चित रूप से आप लाभ लूट लेंगे। भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, दक्षिणावर्ती शंख में साफ पानी में भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें, फिर भगवान विष्णु जी को खीर, पीले फल का भोग लगाएं, हो सके तो वही मंदिर में ही बैठकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शाम के समय परिवार के लोग मिलकर भजन और कीर्तन करें, साथ में प्रेयर करें, और अगर हो सके तो विष्णु सहस्रनाम को जब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
आंखें बंद रखें, विष्णु जी का ध्यान करें, आपको शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। आओ अब राशिफल की तरफ लौट चलें। तुला राशि, शादीशुदा है तो जीवन साथी और जीवन संगिनी, नहीं है तो लव पार्टनर, वो भी नहीं है तो दोस्तों और अपनों के साथ। मनभेद और मतभेद अगर है, गलती आपकी है, माफी मांगिए, उनकी है माफ कर दीजिए, दिल के बोझ को हल्का करिए, मजा आ जाएगा। मंगल अब आपके सेवंथ हाउस पर रहेंगे और सेवंथ हाउस आपके पति पत्नी, मैरिटल लाइफ का, बिजनेस का है, वहां पर रोचक योग बनाकर विराजित होंगे। बिजनेस में कुछ अच्छे लाभ आपके हाथ लगने वाले हैं, दो बार अच्छा पैसा, पैसे से पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। जरूर इस तरफ रिसर्च करिए, ध्यान रखिए, आंख और कान खुले रखिए, मजा आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को कोई शुभ समाचार ऐसा मिल सकता है जो कई दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। वर्क प्लेस पर काम में मन लगाना बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर वो लगा लिया तो दिन आपका बन जाएगा। भाई बहनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एक दूसरे का साथ निभाने का अवसर मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ खास मैनेजमेंट और फाइनेंस के काम आप करने वाले हैं। आपके पेंडिंग काम अब पूरे होंगे, सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन, लव और रिलेशनशिप में पीस एंड हार्मनी, लव एंड अफेक्शन पूरा विश्वास के साथ करिएगा, मजा आ जाएगा। आज कुछ ऐसा करने का मन करेगा, कहीं घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट जरूर करेगा। मंगल के अब राशि परिवर्तन से स्टूडेंट को शिक्षा में, आर्टिस्ट को आर्ट में और खिलाड़ी को खेल में अच्छे फल मिलने वाले हैं, तैयार हो जाएं। लकी कलर व्हाइट, नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, फाइनेंस के मामले में आज विचार करने का बहुत शानदार दिन है, जिसमें पैसा कितना है, आने वाले दिनों में कितना आने वाला है, पैसे से पैसा कितना बन रहा है, खर्च और कर्ज को कैसे करूं, कम करूं, इस पर ध्यान दीजिए। मंगल अब आपके रोग, दुश्मनी और कर्जा सिक्स हाउस में विराजित रहेंगे। नौकरी बदलने की दिशा में और व्यापार में परिवर्तन की दिशा में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपने रखा है, इसलिए आज स्वास्थ्य अच्छा है, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम किया जा सकता है। हाँ, करियर के मुद्दे पर कुछ परेशानियां किसी और की वजह से आ सकती है, कोई और खबर जो आपके काम की भी नहीं है सुनकर आप परेशान हो जाएंगे, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए, लेकिन जरा सलीके से। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध कोऑर्डिनेशन शानदार रहेगी। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सुखी लव लाइफ और रिलेशनशिप से आप संतुष्ट होने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये एक उत्कृष्ट दिन है। मंगल के राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस में जो प्रोजेक्ट, जो टारगेट, जो टास्क, जो एजेंडा, जो लक्ष्य आपको दिया गया है वो आज आप हासिल कर लेंगे और अब आने वाले टाइम में मंगल के राशि परिवर्तन से आगे भी हासिल करेंगे। और रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर, वो अब रंग निखारेगी। आपको परफेक्शन से काम करने का मौका मिलेगा। लकी कलर ग्रे, नंबर 8 शुभ रहेंगे। धनु राशि, संतान सुख, संतान से सुख, और आप खुद संतान हैं तो माँ बाबूजी का सुख और उनसे सुख आपको जरूर मिलेगा। आज को चाहते हो माँ बाप से, परिवार से, तो मांग लो, मिल जाएगा। दिल से मांगिए, पूरी इज्जत करिए, लोगों की मान सम्मान दीजिए, मजा जाएगा। अब मंगल आपके फिफ्थ हाउस में, जो कि लव पार्टनर, एजुकेशन और संतान का है, इन तीनों में बेहतरी लाएंगे, मंगल ही मंगल करेंगे। आज आपके बिजनेस में मेहनत और लोगों के साथ बड़े अच्छे ढंग से पेश आना, मुद्दों को हल करना, चिंता से चिंतन में जाना बड़े लाभ की तरफ आपको लेके जाएगा। अचानक कोई सौदा आपके हाथ लग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। नौकरी में टेंशन के माहौल में आपको कोई प्रेरणा मिल जाएगी, कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, किसी दो व्यक्ति का काम आपको अकेले करना पड़ सकता है। स्टूडेंट के लिए आज अनुकूल दिन है, संतान से संबंधित खबर खुश कर देगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा, आपको अपने वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी का तड़का लगाना चाहिए। धार्मिक कर्म, सोशल कर्म, किसी की मदद करके, किसी का धन से, किसी का मन से, किसी का कर्म से आप अच्छा करके निश्चित रूप से वाहवाही और मान सम्मान लूटने वाले हैं। भाई और बहनों के साथ सामंजस्य पूर्वक समय रहेगा। मंगल के अब राशि परिवर्तन से लव पार्टनर, एजुकेशन और संतान का सुख पूरा मिलेगा और एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। लकी कलर गोल्डन, नंबर 2 शुभ रहेंगे। मकर राशि, माँ की सेहत पर ख्याल रखिएगा, माँ के आशीर्वाद से दिन गुजारिएगा, माँ की बातों पर चलकर दिन का शुरुआत करिएगा, मजा आ जाएगा। अब मंगल आपके चौथे हाउस में, जो कि ओन प्रॉपर्टी, माता जी, व्हीकल, इनका घर है, वहां पर रोचक योग बनाएंगे और 10th हाउस पर दृष्टि कुलदीपक भी बनाएगा आपको।
वर्क प्लेस पर काम के मिश्रित नतीजे हासिल होंगे। नौकरी में खुद के ही अनैतिक कार्यों के कारण थोड़ी परेशानी आएगी। जो आपने भूतकाल में किसी के साथ दुश्मनी की है, कोई गलत कर्म किए हैं, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। ख्याल रखिए, मानसिक और शारीरिक पीड़ा का थोड़ा अनुभव होने की पूरी संभावना है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। बिजनेस में दिन कुछ खास नया कमाल कराने का नहीं है, कमाल करने का नहीं है, बल्कि पहले जो कर चुके हैं उसको कमाल के तरीके से आगे बढ़ाने का है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भावना आपको दिखानी होगी, उसी से वातावरण अच्छा रहेगा। प्रायोरिटी आज फैमिली को ज्यादा दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में संघर्ष जो है वो आपकी एक मुस्कुराहट के साथ कम हो जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मुश्किल दिन को भी आसान कर देंगे। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में झुकाव, किसी के लिए अच्छा सोचना और करना आपको इतना आशीर्वाद दे देगा कि आपका दिन बन जाएगा। मन लगाकर पढ़ने से, मन लगाकर रिसर्च वर्क करने से, मन लगाकर सोचने से और शांत रहकर जवाब देने से, मौन रहकर जवाब देने से जो लाभ मिलेगा वो आज कमाल का होगा। मंगल के अब राशि परिवर्तन से माँ के स्वास्थ्य पर, व्हीकल पर, ओन प्रॉपर्टी पर खर्चे होने वाले हैं, तैयार हो जाएं। जॉब और बिजनेस में विशेष परिवर्तन आप करने वाले हैं, लेकिन मेडिकल रूप से आप परेशान होकर जाँच करवाइए। लकी कलर ग्रीन, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, आज दोस्ती यारी निभाने का दिन है, आज कॉन्टैक्ट बढ़ाने का दिन है और बढ़े हुए कॉन्टैक्ट से बॉन्डिंग और बढ़ाने का दिन है। अगर ये कर लिया तो मजा आ जाएगा। मंगल अब थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव, डिग्निटी, भाई बहन, सिबलिंग के घर में स्वग्रही रहेंगे। दिन अच्छा है। वर्क प्लेस पर आप अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए। आपको खुशी आज कहीं से भी जरूर मिलेगी और इससे देकर दूसरों का भी दिन बना देंगे। नौकरी में अच्छा काम करना, परफॉर्मेंस और अपने टारगेट को पूरा करना बड़ा चैलेंज रहेगा, लेकिन अगर रूपरेखा सही बना ली तो आपको काम मिल जाएगा। व्यवसाय में कामकाज से जुड़ी हुई कोई खबर, लोन, पैसा बोरो करने, पैसा रुका हुआ, काम रुका हुआ, सरकारी काम के रुके हुए काम को आगे बढ़ाने की खबर आपको खुश कर देगी। परिवार के लोगों में प्रेम देखने को जरूर मिलेगा। आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां किसी और की वजह से आ रही है, उस और को हटाइए। आप दिन भर मस्त, व्यस्त और हर पल कोशिश करें कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। अपने ससुराल वालों के कारण लाभ कमाने की संभावना ज्यादा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और पेयर्स, ध्यान दीजिए अपने काम में और अपने टास्क में, अपने एजेंडे पर, मजा आ जाएगा। संतान का सुख और संतान के साथ वक्त बिताकर, संतान से कुछ इनोवेटिव आइडियाज अपना कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सेहत ठीक ठाक है, उसे और अच्छा करना आपके लिए बड़ा चैलेंज है। मंगल के राशि परिवर्तन से आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होगी। आपका जो जोश और जुनून है वो हाई रहेगा। कुछ अलग करना, नया करना, इसकी तमन्ना आपके भीतर रहेगी। बस वो कैसे करना है उसके लिए रिसर्च वर्क करिए, अनुभवी लोगों से मिलिए, अपनी गलतियों से सीखिए, जवाब मिल जाएगा। लकी कलर पिंक, नंबर 7 शुभ रहेंगे। मीन राशि, पैसे से पैसा कमाना, पैसा जोड़ना, नए पैसे को प्राप्त करना, आए हुए खर्च और कर्ज को कम करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। इस पर बात करने से लाभ मिलेगा। मंगल अब आपके धन भाव और कुटुंब स्थान, पैतृक संपत्ति के घर में विराजमान रहेंगे। जॉब में कुछ बाधा आपकी गलतियों की वजह से आ रही है। कार्यक्षेत्र में दिन लाभदायक रहेगा और आप यश, मान सम्मान और पेंडिंग काम को पूरा करके तारीफ भी बटोरने वाले हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको आज संतान का आशीर्वाद माफ करेगा, संतान को आप आशीर्वाद दें, संतान का सुख और सहयोग मिल सकता है। लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी बढ़ेगी, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको अच्छा मैच मिलना, शादी के बाद आगे बढ़ना, इसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। शुभकामनाएं। आप स्वच्छता, अपने घर और आसपास का पूरा ख्याल रखें। कुछ सोशल काम करने के पूरे मौके मिलेंगे, चूकिएगा मत। अपने रूटीन काम के अलावा कुछ स्पेशल करने का मन जरूर करेगा। हाँ, जिन लोगों को आप प्यार से, आप जिनसे दिल लगा हुआ है, उनको दिमाग से जवाब मत दीजिए। आपकी सेहत आज अच्छी है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस पे काम किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ अच्छा गिफ्ट अपने प्रेमी और प्रेमिका को देकर स्नेह लूट लेंगे। मंगल के अब राशि परिवर्तन से जॉब, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में एकाग्रता और दक्षता बढ़ेगी। अब आप टाइम को मैनेज करेंगे और प्रोफेशनली काम करेंगे, इमोशंस के साथ अब डिसीजन नहीं लेंगे। लकी कलर ब्राउन, नंबर 3 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि घर में रसोई जो घर होता है उसमें चूल्हा कहाँ होना चाहिए। देखिए, जो आग्नेय कोण होता है, वास्तु के अनुसार किचन पूरे घर का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही वो जगह होती है जहाँ पर खाना पकाया जाता है। कुछ लोग वहीं खाना खाते हैं, उसके आसपास तो खाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में वो उड़ जा देता है। लेकिन अगर दिल से
और वास्तु दोष रहित किचन में भोजन पकाया जाए तो वो भोजन आपके लिए प्रसाद बन सकता है। और दिमाग से और सिर्फ वास्तु दोष वाले रसोई घर में अगर भोजन पकाया जाए तो वो सिर्फ आपके पेट को भरने का ही काम करता है। आप रसोई घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं उसका आपके किचन की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा पर बड़ा फर्क पड़ता है। यदि आप किचन के सामान को वास्तु के अनुसार रख पाते हैं तो यह नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देगा और नहीं रख पाते हैं तो बढ़ा देगा, इसमें बीमारियां भी आ जाती है। वहीं दूसरी ओर किचन में चीज़ों को वास्तु के हिसाब से जमाने में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब आइए बात करते हैं कि आपको रसोई घर में चूल्हा कहाँ रखना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे सामने नॉर्थ है तो मेरा ये साउथ हो गया, मेरे राइट में ईस्ट होगा, मेरे लेफ्ट में वेस्ट होगा। तो जो साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, वहां पर आपको गैस की टंकी और चूल्हा लगाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है और आपका पूर्व दक्षिण पूर्व का कोना, मान लीजिए कि वहां पर आपका किचन नहीं बन सकता है, कोई बात नहीं, जहां पर भी आपका किचन है उस किचन की तो कोई चार दीवारी होगी, उस चार दीवारी के अगर आप आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में आप कॉर्नर पर अगर गैस की टंकी और चूल्हा लगा देते हो तो ये दोष दूर हो जाएगा, तो आपको लाभ ही लाभ इसका मिल जाएगा। मैं ऐसे और वास्तुओं के बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बताता रहूँगा। आज मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाना चाहता हूँ। ये पीछे आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं, कुछ घंटी, कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, सांता क्लॉज है जो आप लोगों को खुशियाँ खुशियाँ देंगे। हर धर्म कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी धर्मों का हम सम्मान करें और अपने धर्म की पालना करें। इसके लिए मैंने भी यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगाया है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। और जो लोग क्रिश्चियंस हैं या फिर आपके आसपास में कोई रहते हैं उन लोगों को, ईसाई लोगों को, आप ज़रूर उनके लिए शुभकामनाएं करें और एक दिया एक कैंडल उनके नाम से जलाइए। साथ में कोशिश करिए कि आप इस सद्भावना का संकेत सबको दें, संदेश सबको दें कि सर्वधर्म जो है वो एक है। एक भी इंसान के मन से अगर आपने धार्मिक जो कटुता है वो अगर दूर कर दी तो समझो कि आपका जीवन बन गया। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करता रहता है और मैंने उसे एक इंसान को समझाया और उसके दिमाग से मैंने इस गंदगी को निकाल दिया, वो एक इंसान भी अगर कभी कोशिश करेगा तो इस देश में कितना अच्छा सतयुग आ जाएगा। आप भी कोशिश करिए। मैरी क्रिसमस। अब क्रिसमस पर्व क्यों मनाया जाता है इस पर आप रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।